हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोगों का निशान भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 में 9.6 लेक्चर, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग ड्रिल डाउन वाटरफॉल चार्ट कैसे बनाते हैं। आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने जो क्रिएट किया हुआ है एक वाटरफॉल जो चार्ट है उसे क्रिएट किया हुआ है। प्रीवियस जो हमारी यूनिट है इसके अंदर हम लोगों ने वाटरफॉल चार्ट बना लिया है, लेकिन अब हम लोग जो बना रहे हैं ड्रिल डाउन का वाटरफॉल चार्ट बना रहे हैं। ड्रिल डाउन वर्ड से आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि हम लोग 9.5 के अंदर भी देखे थे कि ड्रिल डाउन जब ऐड हो जाता है तो आपको क्या होता है कि एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी मिल जाती है। इस पे क्या होगा कि आपका जो वाटरफॉल चार्ट है इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे जो कैटेगरी है ये आपको कैटेगरी दिख रही है। उसके बाद यही जो हमारा जो कॉलम चार्ट है ये अनदर हमारे को हायरार्की पे लेके जाएगा जो होगी हमारी सब कैटेगरी, देन प्रोडक्ट नेम। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट को बनाएंगे। बहुत ईजी है, आप लोग को यहाँ पे बस केवल क्लिक करना है और आप उसके बाद हायरार्की के फॉर्मेट में यहाँ पे ओपन करके रो और कॉलम के चार्ट में यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट को देख सकते हो। इसी तरीके का वाटरफॉल चार्ट के अलावा ड्रिल डाउन में कई सारे आप लोग को यहाँ फंक्शन मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे दो चार्ट को कवर किया हुआ है और ये अनलाइसेंस वर्जन है जूम चार्ट का, इसीलिए यहाँ पर ये आप इस तरीके से आप लोग को दिखा रहा है। और यहाँ पे फ्री ट्रायल मुझे 30 डेज का मिला हुआ है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कंप्लीट प्रीमियम वर्जन को यूज कर पाएंगे। उसके बाद आपको लाइसेंस या क्रैक वर्जन यूज करना होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को इंपोर्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको रिमूव करके दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से देखिएगा, वाटरफॉल चार्ट को हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर ऐड तो करना सीख चुके हैं, रिमूव कैसे करेंगे ये मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी के अंदर मैंने क्लिक किया, जैसे किसी कैटेगरी के अंदर मैंने क्लिक किया फर्नीचर के अंदर, तो यहाँ पर उसकी सब कैटेगरी ओपन हो चुकी है। मान लीजिए पेपर आर्ट एनवेलप्स, ये सारी कैटेगरी जो मेरी ओपन हो चुकी है। सो इस तरह से हमारा वाटरफॉल चार्ट काम करता है, आप इसे समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम लोग पावर बी आई सॉफ्टवेयर के अंदर बनाकर देखते हैं। सो आप भी मेरे साथ यहाँ पे पावर बी आई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। ये भी आपका अनपेड वर्जन है जिसपे हम लोग आज यूज करेंगे हमारा वाटरफॉल चार्ट को। मैंने पहले से लाइब्रेरी को यहाँ पे एड ऑन कर लिया है और इस एम्प्टी सेक्शन को यहाँ पे मैं रिसाइज कर लेता हूँ। लास्ट में इसको लाइब्रेरी से कैसे रिमूव करना है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कैटेगरी के अंदर एक वैल्यू एड ऑन करनी है, तो मैंने यहाँ पर जो है ऑर्डर डेट को एड ऑन कर लिया है जिससे कि मुझे यहाँ पे हायरार्की मिल सके। मैंने सेल्स को एड ऑन कर लिया है। अब हम लोग ईयर क्वार्टर मंथ और डे वाइज यहाँ पे जो है सेल्स को देख सकते हैं। एक नॉर्मल सा वाटरफॉल चार्ट है बट यहाँ पर आपको ड्रिल डाउन फंक्शन यूज करना है तो आपको हायरार्की के फॉर्मेट में देख सकते हैं। ईयर के बाद आप यहाँ पे क्वार्टर फॉर्मेट में देख सकते हैं सेल्स, फिर उसके बाद यहाँ पे आप मंथ फॉर्मेट में सेल्स को देख सकते हैं, देन उसके बाद आप डे वाइज भी यहाँ पे सेल्स को देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी यहाँ पे हायरार्की जो है बन जाती है, जिसको आप यहाँ पर कंप्लीट ड्रिल डाउन वाटरफॉल चार्ट पे देख सकते हैं। ड्रिल डाउन बटन का मतलब ही यही है कि कई नॉर्मल चार्ट को आप एक नॉर्मल हायरार्की या फॉर्मेट के फॉर्मेट में यहाँ पे देख सकते हो। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ऑर्डर डेट हटा देता हूँ और यहाँ पे कुछ और वैल्यू एड ऑन करता हूँ। मैंने इसे कैटेगरी ले ली, सब कैटेगरी ले ली, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको कैटेगरी दिख रही है, उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी दिख रही है। मैं यहाँ पे सेल्स की जगह जो है यहाँ पर जो है प्रॉफिट ले लेता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे शो भी हो सके वाटरफॉल चार्ट पे, तो आप लोग यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी को देख पाए। मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफिस सप्लाई फर्नीचर को ले लिया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी सब कैटेगरी ओपन हो चुकी है, एनवेलप सप्लाई आर्ट पेपर, बट थर्ड कैटेगरी यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो है प्रोडक्ट नेम को ऐड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट नेम को ऐड करूंगा तो इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड आपको प्रोडक्ट नेम शो हो रहे हैं, अप्लायंसेज स्टोरेज आर्ट पेपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अच्छी तरीके से ड्रिल डाउन वाटरफॉल चार्ट को यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मैंने फर्नीचर के अंदर गया, फर्नीचर के अंदर मैं जाके चेयर में जाऊंगा और आप देखेंगे कई सारे यहाँ प्रोडक्ट नेम है चेयर के, तो जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रिल डाउन वाटरफॉल चार्ट को यूज कर सकते हो। आप बैक करके देख लीजिए, कैटेगरी और सब कैटेगरी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही है। और आप लोग को यहाँ पे अनपेड वर्जन यूज करना या पेड फीचर यूज करना तो इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, तो ये आइकन भी आपके हाइड हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने वाटरफॉल चार्ट को समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटरफॉल चार्ट जो है जो आप लोग की यहाँ पे जो कैटेगरी और सब कैटेगरी वर्क कर रही है कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको रिमूव कैसे करना है वो देख लेते हैं। आपको क्या करना है, ये जो आपको थ्री डॉट्स है इस पे क्लिक करना है और किसी लाइब्रेरी को आपको रिमूव करना है यहाँ से। तो रिमूव ए विजुअल्स पे आप जाएंगे, जब आप रिमूव ए विजुअल्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिस पॉपअप में जाकर आप इसे इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग इसे देख लेते हैं, यहाँ पे पॉपअप ओपन हो चुका है, सेलेक्ट विजुअल्स टू रिमूव आप लोग को शो हो रहा है, जिसको मेरे को यहाँ से रिमूव करने से आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये अनपेड वर्जन है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट को क्रिएट कर चुके हैं। आपको और भी कई सारे ड्रिल डाउन फंक्शन देखना होगा तो आप लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हो।
बट मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको टॉप 10 या 11 फंक्शन बता सकूं, बट हम बचे हुए जो फंक्शंस हैं उसे हम लोग जब डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तब उसे भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 9.7 के अंदर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं प्ले एक्सेस स्लाइजर को। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।